بسم الله الرحمن الرحيم पंद्रह शाबान की रात में हमारे मुल्कों में जो हमारे अजमी मुल्क हैं इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया ना सहाबा ने किया ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से, और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं और वो आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलू हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं, ये भी ठीक नहीं। इस बीच का रास्ता, इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम अज़ कम वो हसन ले गैर ही तक तो पहुँच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादातर से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन ले गैर ही तक पहुँच जाती हैं। तो हसन ले गैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के से। एक अहादीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है। लेकिन कुछ अरसा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया, और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय पांच आदमियों के, पांच के सिवा सब अहले ईमान की बख्शिश हो जाती है। मुशरिक, अल मुशरिक, पहला मुशरिक, दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन किसे कहते हैं? दिल में बोझ रखने वाला, कीना रखने वाला। तीसरा मुस्बिलु इजारा हो, अपने पाजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से हो, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। चूँकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गया, हमारी तो बुज़ुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारे बचपन में। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम आई तो शलवार देहातों में भी और शहरों में आम हो गई। तो अगर वो इसलिए लटका रहा है कि तबीयत में तकब्बुर है, फिर इस वईद का वो हकदार है। अगर वैसे उसकी नीचे जा रही है तो मेरा मालिक ऐसा, वो तो है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम, सिर्फ शलवार नीचे लटकाने से वो इतनी शदीद सजा दे। इस अगर उसके पीछे तकब्बुर है, फिर है ये
तकब्बुर नहीं है तो इंशाअल्लाह वो इससे महफूज होगा। तो अपनी चादर को लटकाने वाला, लेकिन बशर्ते तकब्बुर, कितने हो गए? आकुन ले वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, नाफरमान ऐसा कि दुख देने वाला। छोटी मोटी ऊंच नीच तो हर बच्चे से हो जाती है, नहीं जिनने वालदैन को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो और उनको दुख दे 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 के उनका सीना चीर दिया हो, चूँकि आग कहते हैं पुरजे पुरजे करना किसी चीज़ को, तो अपने दुख दे कर अपनी बदतमीज़ी के साथ उसने माँ बाप का दिल ज़ख्मी कर दिया हो, एक ये नहीं माफ़ होता। पाँचवा मुदमिन खमरन, मुसलसल शराब पीने वाला, मुस्तकिल जो शराब का आदी हो, इन पांच को मौखर कर दिया जाता है। माफ़ी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, माफ़ी ना होने का मतलब ये है कि ये पांच ऐसे गुनाह हैं कि इसकी वजह से बख्शिश रुक जाती है। अगर वो शिर्क से निकल आए, वो कीना से निकल आए, वो तकब्बुर से निकल आए, वो वालदैन की नाफरमानी से निकल आए, शराब छोड़ दे, तो इनकी भी बख्शिश हो जाए। जब कोई तौबा करेगा फौरन बख्शिश हो जाएगी, ना 15 शाबान की ज़रूरत है, ना लैलतुल क़द्र की ज़रूरत है, ना बैतुल्ला जाने के साथ तौबा की शर्त है। जहाँ भी वो बैठ के तौबा करेगा, जिस लम्हे में करेगा, उसी वक्त उसकी तौबा कबूल होगी और अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, ज़्यादा ज़्यादा इतना। क़याम से मुराद नवाफिल हैं, कोई घर में पढ़ ले, कोई मस्जिद में पढ़ ले। नवाफिल नफली इबादत घर में ही अफजल होती हैं। मेरे नबी सुन्नतें हमेशा घर से पढ़ के आते थे, तहज्जुद अपने घर में पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। सिवाय एतकाफ़ के आप अपने नवाफिल सुन्नतें सब घर में पढ़ते थे और मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ आके अदा फरमाते थे, और उसके बाद बैठना होता था तो बैठ जाते थे, उठना होता था तो उठ जाते थे। तो एतदाल अल्लाह को हर चीज़ में पसंद है। दुनिया जो मुख्तसर है उसमें कैसे पसंद नहीं होगा? आखरत जैसे मामले में भी अल्लाह हमसे कह रहा है एतदाल उम्मतन वसाता। ऐसे ईसाइयों की तरह तर्क दुनिया भी ना करो, यहूदियों की तरह दुनिया के पीछे ना पड़ जाओ, हरिस के हलाल भी कमाओ, अपने बच्चों को भी देखो, अपने फ़राइज़ को भी देखो जो दुनियावी हैं, और अल्लाह से भी अपना मामला ठीक करो और दुरुस्त करो। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत में आई। सारी सारी रात जागना, फलां बुज़ुर्ग थे वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फलां बुज़ुर्ग थे वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फलां बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुज़ुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फलां बुज़ुर्ग थे वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुभान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह कम कह सकते हैं और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उनका मैंने तो मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात, ये रहबानियत की शक्ल है,
ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई कबूल करो। ये एक किस्म का गुलूफ आया। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ में भी है, मुझे अब हर शब भूल गई, लेकिन वो है नहयुल गुलूफ इस तरह करके, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं कि गुलूफ से नहीं। हदीस आपको सबको याद होगी कि तीन सहाबा आए अल्लाह के नबी के घर और पूछा कि अल्लाह के नबी रात कैसे गुजारते हैं। तो घर वालों ने कहा सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाते भी हैं। तो वो तीनों आपस में कहने लगे वो तो नबी हैं, सोएं भी तो कोई बात नहीं और शादी है कोई बात नहीं, हम तो नबी नहीं, हमें तो कुछ करना चाहिए। एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। तो देखने में तो वाह वाह क्या बड़ी बुजुर्गी है भाई, बड़े बुजुर्ग हैं। हमारे नबी को पता चला आपने तीनों को बुला लिया, कहा तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, मैं तुमसे अना अतकाकुम या अख्शाकुम, अल्फाज आप लोगों को ज़्यादा याद होंगे लेकिन मफहूम मैं सही पेश कर रहा हूँ। आपने कहा मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं छोड़ भी देता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं, मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। तुम दीन में गुलूफ से बचो, पहले उम्मतों को हलाक कर लिया दीन में गुलूफ। दुनिया में गुलूफ यानी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिस्ट होना, दुनिया हो या दीन हो दोनों में एतदाल बच्चों अल्लाह ताला को पसंद है।